स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट रेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्लास 7th और सब्जेक्ट साइंस। हमारा टॉपिक है बच्चों आज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड चेंज। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसमें होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो बच्चों, प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर पूछा जाए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, तो होती हैं शेप, साइज, कलर, स्टेट। ठीक है, अब वन बाय वन इनकी बात करते हैं। शेप मतलब अगर आपकी शेप में चेंज आ जाए, मतलब कि कोई चीज़ रेक्टेंगल थी वो स्क्वायर में बदल जाए, ठीक है, या साइज़ में चेंज आ जाए, मतलब कोई चीज़ बड़ी थी वो छोटी हो जाए, या फिर कलर में चेंज आ जाए, मतलब कोई चीज़ ब्लू थी वो रेड में बदल जाए, या फिर स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट में चेंज मतलब कि कोई चीज़ सॉलिड थी वो लिक्विड में बदल गई, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में बदल गई। अब इसका एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास बर्फ़ है, मतलब आइस, ठीक है, बर्फ़ को आपने बाहर निकाल के रख दिया फ्रिज से, तो वो आपका पानी में बदल गया, वाटर में, है ना, तो फिर क्या हुआ, सॉलिड से किस में बदल गया, लिक्विड में, तो आइस आपकी मेल्ट होके वाटर में बदल गई, तो मतलब स्टेट चेंज हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आगे पढ़ते हैं, अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। जब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है उसी को कहते हैं फिजिकल चेंज। मतलब जब भी शेप, साइज, कलर या स्टेट चेंज होगा तो उसी को फिजिकल चेंज कहेंगे। चलो आगे बात करते हैं, अ फिजिकल चेंज इज़ जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, मतलब आपके पास जो पहले से चीज़ थी वही चीज़ वापस मिल जाती है। जैसे कि एग्जांपल है, सॉलिड को मैंने, मतलब आइस ले लिया, उस आइस को मैंने बाहर रख दिया फ्रिज के, ठीक है, वो वाटर में बदल गया। वाटर को अगर मैं वापस से फ्रिज में रख दूँ वो आइस में बदल जाएगा, तो जो आइस पहले थी वही आइस वापस मिल जाएगी। इसको क्या बोलेंगे चेंज को, रिवर्सिबल, जो चीज़ पहले थी वही चीज़ वापस मिल जाना, ठीक है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इन सब में ना नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनता। जैसे कि बर्फ़ थी, उसे मैंने बाहर फ्रिज के रखा और वापस फ्रिज में रखा, तो दोनों में क्या ही मिला मुझे, बर्फ़ ही मिली, कुछ और तो नहीं बदल गया ना, तो कोई नई चीज़ नहीं मिलती हमें फिजिकल चेंज में। ठीक है बच्चों, चलो अब हम थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे ताकि और ज़्यादा क्लियर हो। पहली चीज़, हमें बताना है कि कौन सी चीज़ रिवर्सिबल है और कौन सी चीज़ रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि इमेजिन करो मेरे पास एक ग्लास है, उसमें पानी है, ठीक है, अब उस ग्लास वाले जिसमें पानी है उसको मैंने गैस पे रख दिया, ठीक है, गैस, और उसमें हाँ सॉल्ट भी डाल दिया, है ना, इसमें बोला है सॉल्ट भी डाल दिया, तो मेरे पास एक बर्तन है जिसमें पानी है और सॉल्ट है, ठीक है, उसे गैस पे रख दिया मैंने, गैस चला दी, तो मैं देखूंगी कुछ टाइम बाद क्या होगा, मेरा सारा पानी उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है वो नीचे रह जाएगा, है ना, उसी बर्तन में। हाँ, तो अब पूछा गया है ये रिवर्सिबल है या नहीं है। बच्चों ये रिवर्सिबल है, क्यों, क्योंकि अगर आप जो पानी इवापोरेट हुआ है, जो भाप बन के उड़ा है, उसको ठंडा करो तो वो पानी वापस से आपका किस में बदल जाएगा, जो भाप बनी है वो वापस से पानी में बदल जाएगी, है ना, और नमक तो है ही आपके पास, तो हमें वापस से सॉल्ट और पानी का मिक्सचर मिल जाएगा, है ना, तो ये क्या हुआ बच्चों, रिवर्सिबल चेंज हुआ, और रिवर्सिबल को मैं R से लिखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, जैसे ये लकड़ी है, वुड, उसको मैंने जलाया, ठीक है, जलाने के बाद क्या हुआ, वो तो ऐश में बदल जाएगी, राख में बदल जाएगी, राख को तो मैं वापस से लकड़ी में नहीं बदल सकती ना, वुड में, तो ये क्या हुआ, नॉट रिवर्सिबल हुआ, नॉट रिवर्सिबल को मैं N से लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मेरे पास ये ब्रेड है, इस ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, अब बताओ ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बच्चे देखो, ब्रेड को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, पर ब्रेड तो ब्रेड में ही बदला है ना, कुछ और तो नहीं बन गया ना ये, है ना,
पहली चीज़ तो ये, दूसरी बात ये कि जो मैंने पीसेस में कट किया है उसे वापस से मैं इकट्ठा करके बहुत करके अपना वापस से ब्रेड बना सकती हूँ ना, है ना। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं मिली हमें, ब्रेड ब्रेड ही रहा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम करते हैं। When a seed is grown into a plant, its size also gets change. Is it a physical change or chemical change? Explain your answer. मतलब कि मेरे पास एक सीड है, देखो बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक सीड है, उसको मैंने ग्रो किया प्लांट को, वो इतना बड़ा प्लांट बन गया। अब मुझे जानना है क्या ये वाला प्लांट इस सीड में या इतना छोटे प्लांट में बदल सकता है, पहले खुद बताओ हिंदी में, नहीं बदल सकता ऑब्वियसली, है ना। जो चीज़ अब प्लांट है वो ग्रो कर चुका है अच्छे से, वापस से वो छोटे में तो नहीं बदल सकता, तो ये क्या हुआ, ये फिज़िकल चेंज तो नहीं है। तो जब ये फिज़िकल चेंज नहीं है तो ये कौन सा चेंज हुआ बेटा, ये है केमिकल चेंज। कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि आपका ये केमिकल चेंज है, तो लिखोगे इट इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, और एक्सप्लेन करना आंसर में। अब ये चीज़ और बतानी है आपको, ये केमिकल चेंज है और ये बोलना है कि ये रिवर्सिबल नहीं है। इट इज़ अ केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब इसको वापस से हम उसमें नहीं बदल सकते, इरिवर्सिबल। इट इज़ अ केमिकल चेंज एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, तो जब हम सीड को ट्री में बदलता है तो ट्री से सीड में नहीं बदल सकते, क्यों, क्योंकि ये केमिकल चेंज होता है और इरिवर्सिबल है, ये मतलब वापस से उसमें नहीं बदला जा सकता। तो ये थी आज हमारी वर्कशीट। थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स।